हेलो दोस्तों, मैं अनिल सैनी और स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल इंजीनियर एट साइट में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्लास्टर से जुड़े कुछ पॉइंट्स के बारे में, जो प्लास्टर करते समय हमें इन बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। देखिए दोस्तों, अगर हमारी साइट पर या घर पर हम कहीं पर भी प्लास्टर करा रहे हैं, तो जो हमारा सैंड होता है, फाइन सैंड, रेत जिसको लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है, तो अगर वो यमुना से आता है या जिसके भी आसपास में गंगा है या जो भी कोई नदी है, अगर वहाँ से सैंड आ रहा है, तो उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे जो हमारे पत्थर के टुकड़े होते हैं वो उसमें आ जाते हैं। तो जब हम उसको प्लास्टर करते हैं उसी रेत से, तो वो जो है हमारे सरफेस को एकदम स्मूथ सरफेस नहीं बनने देते। तो इसलिए हमें क्या करना होता है कि उस सैंड को हमें एक हमारी मैस होती है, या हम कह सकते हैं जाली जो होती है, उसे छान लेना चाहिए। उसे छान लेने के बाद जो हमारा फाइन पार्टिकल होते हैं वो पीछे की तरफ निकल जाते हैं, और जो कोर्स पार्टिकल होते हैं वो आगे की तरफ बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो छानने के बाद जो हमारा सैंड बचता है उसी से हम प्लास्टर करते हैं। अब देखिए, ये सैंड जो है यमुना से आया हुआ है, क्योंकि इसमें जो है, देखिए कुछ मिट्टी के पार्टिकल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये मिट्टी के पार्टिकल्स हैं, ये देखें, ये वहाँ पर जमे हुए कुछ स्टोन के पार्टिकल हैं, इसमें से आए हुए हैं, ये देखें। अगर हम इसको ऐसे ही लगा देंगे तो जो हमारा सरफेस है वो अच्छा नहीं आएगा। ये देखिए, यहाँ पर देख रहे होंगे आप इसमें, क्योंकि ये सैंड जो है अपर लेयर का है, अपर लेयर में कुछ ऐसे पार्टिकल्स आ जाते हैं, तो हमें इसे छान के लगाना होगा अच्छे से। अब दोस्तों बात करते हैं, जब छानने के बाद प्लास्टर किया जाता है, तो प्लास्टर करने से पहले हमें अपने सरफेस को अच्छे तरीके से तराई कर लेना चाहिए, पानी से भिगा लेना चाहिए। और भिगाने के बाद जब हम, जैसे मान के चलिए आपको कल प्लास्टर करना है उस सरफेस पर, तो आज ही एक लेयर में तराई मार देनी चाहिए। और तराई मारने से पहले अगर आप कहीं ऐसी जगह पर प्लास्टर करा रहे हैं जैसे कि कॉलम का जॉइंट है वॉल के साथ में, तो आपको उसमें क्या कराना होगा कि आपको वहाँ पर फाइबर मैस या फिर चिकन मैस जो होती है तार की जाली होती है, फाइबर मैस जो होती है वो फाइबर की जाली होती है। फाइबर मैस में स्ट्रेंथ जो है दोस्तों थोड़ी कम आती है, और जो हमारी चिकन मैस होती है उसमें स्ट्रेंथ अच्छी आती है। तो दोस्तों जब हम फाइबर मैस को ख़रीदने जाते हैं, तो फाइबर मैस हम इसलिए लगा देते हैं क्योंकि हमें वो इकोनॉमिकल पड़ती है, लेकिन जो चिकन मैस है थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है। तो दोस्तों आपको मैं दिखा दूँ कौन सी चिकन मैस होती है, किस टाइप की होती है। ये देखिए दोस्तों, इसमें इतने बड़े बड़े जो हमारे हेक्सागोनल टाइप के बने हुए हैं, बॉक्स टाइप के, तो ये हमारी चिकन मैस होती है। इसी को हम क्या करते हैं, पहले कील ठोक करके हम, जैसे हमारा कॉलम होता है, जैसे यहाँ पर एक कॉलम था हमारा इस सरफेस पे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक कॉलम था, तो हमने पहले क्या किया, इस चिकन मैस को कील ठोक करके अच्छे से फिक्स कर दिया, और फिर इसके ऊपर जो है हमने सीमेंट का एक पेस्ट लगा करके उसको अच्छे तरीके से, सीमेंट का पेस्ट जो है उसको लगा करके अच्छे तरीके से उसको हमने चिपका दिया है। जब हम इसका प्लास्टर करेंगे तो वो हमें जाली जो है उसके अंदर ढक जानी चाहिए। तो मैं दिखा देता हूँ आपको जहाँ भी हमारा प्लास्टर हो रखा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा एक बीम का बॉटम आया था यहाँ, तो हमने यहाँ पर भी, ये हमारा लिंटल सरफेस आया था, तो यहाँ भी हमने चिकन मैस लगवाया था, लेकिन अभी जो है नीचे के सरफेस पे टाइल का वर्क होगा, इसलिए हमने नीचे प्लास्टर छोड़ रखा है। तो मैं आपको उसी जगह पर ले जा कर के दिखा देता हूँ, देखते हैं कहाँ कहाँ पर हमारा चिकन मैस लगा हुआ है अभी। देखिए ये हमारा लिंटल वाला पोर्शन है, और लिंटल के ऊपर जो है वॉल और लिंटल का जॉइंट है, तो हमने यहाँ पर जाली लगा करके जो चिकन मैस है उसको पेस्टिंग कर दी अच्छे तरीके से, और लगभग बाकी सब जगह पर हमारा प्लास्टर हो रखा है। तो अभी इधर नहीं किया है, इस तरफ कर दिया है। वो देखिए दोस्तों, वहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको क्लियर दिखाई दे जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है बीम का बॉटम और वॉल है, इसी तरीके से जहाँ पर भी हमारा कॉलम आता है, वर्टिकल पोर्शन हो या हॉरिजॉन्टल पोर्शन हो, वहाँ पर हम क्या है चिकन मैस लगा करके इसको अच्छे से पेस्टिंग कर देते हैं। और पेस्टिंग दोस्तों एक दिन पहले आपकी होनी चाहिए, अगर आप एक दिन पहले नहीं करते हैं तो
जो हमारी चिकन मैस है वो सीमेंट के साथ में अच्छे से बॉन्ड नहीं बना पाएगी। और क्या होगा, जब हम इसमें प्लास्टर करेंगे तो जो मोर्टार है वो जब हम प्लास्टर का माल या मसाला जो भी है हम उसको छापते हैं प्रेशर से तो हिल जाता है, और वो हिल जाता है तो फिर उसके जो फाइबर और जो हमारे चिकन मैस है उसके बीच में वो स्ट्रेंथ नहीं रह जाती है, लूज़ हो जाता है, जिससे कि हम जिस पर्पज़ से हम इसको लगाते हैं वो पर्पज़ पूरा नहीं हो पाता है। वो हमारे क्या होते हैं, इस कंक्रीट और वॉल के बीच में क्रैक आ जाते हैं। तो दोस्तों इसलिए हमें इन बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है। अब देखिए दोस्तों, अब हम जब प्लास्टर करते हैं तो प्लास्टर करते समय हमें इन बातों का सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब जैसे अभी हमारा विंडो वाला पोर्शन है तो अब इस विंडो में जब हम प्लास्टर करवा रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि प्लास्टर जो है एक लाइन में होना चाहिए। जैसे हमने इस विंडो को प्लास्टर कराया है, इस विंडो की जो हमारी धार कोर बनी हुई है, ये वाली जो धार कोर बोलते हैं इनको, कॉर्नर पॉइंट जो होता है, ये जो है दूसरी वाली विंडो से और नेक्स्ट तीसरी अगर विंडो अगर हमारी सेम लेवल पे आ रही हैं तो एक ही लेवल आना चाहिए उनका, चाहे वो अपर साइड में हो या फिर वो बॉटम साइड में हो। अगर वो एक लेवल में नहीं आएगा तो प्लास्टर की क्वालिटी नहीं मानी जाती है। इससे क्या होगा कि प्लास्टर हमें जो दिखाई देगा वो इवन दिखाई देगा, ऑड इवन टाइप का दिखाई देगा और हमारी जो अपीयरेंस है वो अच्छा नहीं दिखाएगा। अभी देखिए इस विंडो में दोनों का जो धार कोर है वो लगभग बराबर ही है, और नेक्स्ट वाली में भी, क्योंकि इसमें क्या है हम दूर से देख रहे हैं तो हमें थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखाई दे सकता है, लेकिन पास से ज़्यादा देखेंगे तो नहीं दिखाई देगा। तो दोस्तों इन धार कोर को बनाते समय इन बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तभी हमारा जो प्लास्टर का मेन पर्पस होता है वो पूरा होता है। क्योंकि प्लास्टर हम इसलिए करवाते हैं दोस्तों कि जब हमारी वॉल है वो वॉल का अपीयरेंस और अच्छा दिखाई दे, क्योंकि प्लास्टर के बाद हम सीधे कलर कराते हैं और कलर में वो फिलिंग नहीं आती है, पुट्टी वगैरह में जो हम कराते हैं तो उसमें फिलिंग नहीं हो सकती। अगर आपकी ये जो कॉर्नर है, धार कोर है, अगर एक बार डाउन हो गई तो डाउन ही रहेंगी, पुट्टी में नहीं कवर हो पाती हैं ना ही पीओपी में आप इनको कवर, क्योंकि वो हमें अगर करवाते भी तो ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। इसलिए दोस्तों इन बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब देखिए दूसरा एक और पॉइंट है, जब आप कहीं पर भी प्लास्टर कराते हैं, जैसे आपको यहाँ पे इसके बाहर सरफेस पे प्लास्टर कराना होगा तो आपको अंदर के साइड से ये जो है इसको इस तरीके से थोड़ा सा अंदर प्लास्टर करा करके थोड़ा छोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होगा नेक्स्ट टाइम जब बाहर से हम प्लास्टर करेंगे तो इसमें कवर हो जाएगा। अगर हम इसको बिल्कुल एकदम बाहर तक और ऐसी धार कोर बना देंगे तो अगले जो हम मोर्टार लगाएंगे बाहर की तरफ से वो इसमें पकड़ अच्छे तरीके से नहीं होगी। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम जो है मार्बल लगवाएंगे, ग्रेनाइट हो सकता है या फिर वाइट मार्बल भी हो सकता है, जो भी अब लगेगा यहाँ पर, तो उसके हिसाब से हमने क्या किया यहाँ का ऊपर सरफेस इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। अब दोस्तों चलते हैं आगे, और भी काफ़ी सारे पॉइंट हैं प्लास्टर से रिलेटेड। यहाँ पर जो है इस फ्लोर पर जो है प्लास्टर का काम लगभग पूरा हो चुका है। अभी देखिए कॉलम में भी हम देखते हैं दोस्तों, जब हम कॉलम का प्लास्टर कराते हैं तो कॉलम के प्लास्टर में भी हमें ये ध्यान रखना होता है कि जब हम जैसे हम इस सरफेस पे प्लास्टर अगर नहीं करवा रहे हैं तो हमें इस तरीके से करके छोड़ना होता है। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पर जो अंधी मार्कर छोड़ना, यानी कि यहाँ से जो है हम ऐसा सरफेस कर देते हैं, अगर इसके ऊपर प्लास्टर आएगा तो कवर कर जाएगा अच्छे से और पकड़ भी बन जाएगी, ठीक है दोस्तों। और वर्टिकल सरफेस पे प्लास्टर करते समय हमें ये हमेशा ध्यान रखना होता है कि जो हमारा धार कोर है कि इनको ये देखना होता है कि ये हमारी जो इस तरीके से या तो अंदर की तरफ अगला सरफेस दबा ना हो या फिर ये वाला सरफेस आगे ना हो, पलटा हुआ ना हो, या तो आगे की तरफ से या पीछे की तरफ से, हमें बिल्कुल एकदम वर्टिकल ही रखना है। उसको हम कैसे चेक करेंगे दोस्तों, हम यहाँ से जहाँ पर भी हम प्लास्टर का हाइट वाला पोर्शन है वहाँ से नीचे की तरफ जो है एक साउल डाल के चेक कर लेंगे कि वो हमारा जो है प्लम बॉब से चेक कर लेंगे कि वो एकदम साउल में है या नहीं है। हम दोनों ही कॉर्नर पॉइंट को चेक करेंगे, ये कॉर्नर पॉइंट हो चाहे ये वाला कॉर्नर पॉइंट हो, दोनों पॉइंट को चेक करेंगे, साउल से चेक करेंगे, फिर उसके बाद जो हम जो एक एल्युमिनियम की फंटी होती है मिस्त्री की, हम उससे भी चेक करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट
अब नेक्स्ट पॉइंट ये है दोस्तों हमारा, जैसे हम ये जीने का प्लास्टर और ये हमारी फ़्लाइट होती है, तो फ्लाइट के बीच में आप ये वाला पोर्शन जो देख रहे हैं जहाँ पे थोड़ी सीलन आ रखी है, ये सीलन इस वजह से आई क्योंकि हम ऊपर जो है कॉलम की क्यूरिंग करा रहे हैं, तो उसकी वजह से पानी नीचे गिर रहा है, तो उस वजह से, तो ये आप देख रहे हैं फ्लाइट के जो कॉर्नर हैं, अपर कॉर्नर और बॉटम कॉर्नर जो है ये बिल्कुल सीधे होने चाहिए। कभी कभी मिस्त्री क्या करते हैं, ये वाला कॉर्नर थोड़ा बड़ा कर देते हैं और उस पीछे की तरफ का कॉर्नर जो है वो दबा देते हैं, इसलिए ये एक बराबर होना चाहिए, जिससे क्या होता है थोड़ा अच्छा दिखाई देता है। तो हम नेक्स्ट हम जो है चलते हैं, एक बीम का प्लास्टर किया हुआ है मिस्त्री ने, तो हमें यही चीज़ चेक करनी होती है प्लास्टर करते समय कि उस मिस्त्री ने ये गलती तो नहीं की है। देखिए दोस्तों, ये हमारा बीम का एक प्लास्टर हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस बीम की जो डेप्थ है बहुत ज़्यादा बना दी है मिस्त्री ने प्लास्टर के, उसमें कवर किया है जब इसको, और वो वाला कॉर्नर आप देखेंगे तो वो बहुत कम कर दिया है। अगर हम ये देखें इसको, अगर मेज़र करके हमने देखा तो वो कॉर्नर जो है उसका 600 mm आ रहा है और ये कॉर्नर जो है उसका 700 mm आ रहा है। तो प्लास्टर में कभी भी ऐसी गलती नहीं होने देना है। अगर आपका बीम थोड़ा सा अप या डाउन होता है तो आप उसको थोड़ा चिपिंग करा करके उसको एक लेवल में करके तभी प्लास्टर आपको कराना, वरना ये जो है कॉनिकल शेप में हो जाएगा, ये इधर ये पोर्शन आपका जो है चौड़ाई में बड़ा कर दिया है और ये जो है आपका छोटा कर दिया है। तो क्योंकि इस सरफेस में क्या है, यहाँ पे अब ये वाला पोर्शन जो है मिस्त्री ने इसको नीचे की तरफ दबा दिया और ये पोर्शन जो है इसको ऊपर की तरफ दबा दिया, इससे क्या होगा कि हमारा जो बीम है वो दिखने में अच्छा नहीं दिखाई देगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिससे मैं आगे भी आपके लिए ऐसे